हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग क्या बनाएंगे। आज हम लोग बनाएंगे पुलाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हम लोग डेढ़ गिलास चावल का आज पुलाव बनाएंगे। तो एक गिलास मैंने ले लिया है, आधा गिलास और मैं इसको भर लेती हूँ। इसके बाद हम इसको साफ़ करके और पानी में इसको 20 मिनट के लिए भिगा देंगे। तो ये देखिए डेढ़ गिलास चावल जो है मैंने ले लिया है। और ये देखिए ये रेसिपी जो है बहुत ही आसान है और बहुत इजीली बन जाती है। और सर्दियों के मौसम में जब हरा मटर आता है तो इसको ज़रूरी बनाकर खाना चाहिए। तो चलिए इसको अब हम लोग भिगा देते हैं। जब तक हमारा चावल जो है होता है, 10 मिनट हो गया है चावल को भीगे हुए। अब हम सबसे पहले कुकर में डाल लेते हैं रिफाइंड ऑयल। और मैंने सब्जियों में काट लिया है फूल गोभी, आलू और मटर। फूल गोभी, आलू और मटर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले लें। जितना आप चावल ले रहे हों उस हिसाब से, अगर आपको सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करना है तो आप ज़्यादा सब्जियाँ ले लें, कम सब्जियों को यूज़ करना है तो कम ले लें। और 2 से 3 बड़े अनियन लिए हैं, जिनको मैंने जिस तरीके से हम लोग इनको पकौड़े में डालते हैं वैसे कट कर लिया है। और इसके बाद मैंने लिया है 4 हरी मिर्च और 4 से 5 जो है लहसुन की कलियां ली थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अब हम जीरे को डाल रहे हैं इसमें। रिफाइंड ऑयल हमारा गरम हो गया है। इसके बाद हम गरम मसाले के रूप में डालेंगे इसमें तेज़पत्ता। तेज़पत्ता जो है हमको बड़ा साइज़ का ही डालना है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गरम मसाले ही जब पुलाव में पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें दालचीनी। तो इतना बड़ा टुकड़ा मैं दालचीनी का डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च को काटा है वो। तो ये देखिए ये भी मैंने डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे जो प्याज हमने कट किया था वो, तो ये भी मैंने डाल दिया। ये प्याज जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और ये ली है मैंने बड़ी इलायची, इसको तोड़ करके हम इसको भी इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से आप जब पुलाव बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है, यम्मी एकदम। और ये देखिए मैंने तोड़ लिया है बड़ी इलायची को। और अब हम देखिए इसको भी इसमें ऐड करके थोड़ी देर तक हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है इसको। और इसको अब हम लोग को चलाते हुए फुल फ्लेम पर ही भूनना है। ये देखिए गोल्डन कलर की हो गई है हमारी प्याज और बहुत ही अच्छी दिख रही है। और अभी से खुशबू आना चालू हो गई है, क्योंकि गर्म मसाले ऑयल में पड़ते ही, जैसे ही गर्म मसाले भुनना स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। इसके बाद अब हम इसमें देखिए मेरे भुन गया है अच्छे से, काफ़ी देर तक मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको चला लिया है। देखते हैं, देखिए इस तरीके से जो है हमारी जो प्याज जो है भुन गई है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्याज जो है अच्छे से भुन जाए तभी आप लोग जो है इसमें सब्जियां ऐड करें, नहीं तो ये अजीब सा कच्चापन का टेस्ट देती हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। तो फूल गोभी, आलू और मटर ही मैंने इसमें लिया है। मटर की क्वांटिटी जो है मैंने ज़्यादा रखी है इसमें। तो ये देखिए अब हमको इसको डाल करके अच्छे से चला लेना है और 2 मिनट तक इसको चलाते हुए हमको पकाना है। अब हम तो देखिए सब्जियां हमारी पक रही हैं, तब तक हम इसमें और मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले के रूप में अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लाल मिर्च। तो ये देखिए 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, ये कुटा हुआ लाल मिर्च है। और इसके बाद नमक भी हम इसमें अभी डाल देंगे। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जो है कर सकती हैं। तो वही हमें इसमें डाल दिया है मैंने नमक। और ये देखिए सब्जियाँ हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो देखिए मैंने चला लिया है, सब्जियां हमारी आधी पक गई हैं। और अब हम इसमें जो है चावल हमारा ऐड कर देंगे। तो सब्जियां आधी पक जाएं तभी आप चावल को डालें, क्योंकि चावल को हमने पहले ही गला दिया था। तो ये देखिए चावल अब हम इसमें डाल देंगे। तो चावल डाल करके भी हमें इसको थोड़ी देर तक चलाना है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए मैंने 1.5 गिलास चावल लिया था, तो मैं इसमें 1.5 गिलास चावल के दुगना पानी डालूंगी, मतलब 3 गिलास पानी डालूंगी। और आधा गिलास जो है सब्जियों के लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। तो आप
पानी जो है नाप करके डालें, तभी हमारा पुलाव अच्छा टेस्टी बनेगा, नहीं तो गीला हो जाएगा, फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, गीले चावल के जैसे हो जाता है। तो वही अब मैं इसमें जो है 3 गिलास 3.5 गिलास पानी डालूंगी। तो ये देखिए, ये आधा गिलास मैं इसमें और डाल देती हूँ। बस अब हमको इसको अच्छे से चला करके कुकर को बंद कर देना है और 2 सीटी लगाना है। बस 2 सीटी लगाने के बाद में इसको हमें अपने आप ठंडा होने देना है, गैस को निकाल करके अपने आप ठंडा होने देना है। तब तक हम इसके लिए बनाते हैं चटनी। तो टमाटर की टेस्टी और यम्मी चटनी की रेसिपी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी आज हम लोग इसको नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखिए, मैंने 4 से 5 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, लाल मिर्च ली हैं 4 और धनिया लिया है। तो अब हम इसको मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैं हमेशा इसी में चटनी बनाती हूँ क्योंकि इसमें जो है एकदम सिलबट्टे के जैसे टेस्ट आता है चटनी में, तो वही अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, इसके बाद डालेंगे इसमें नमक, और नमक डालने के बाद अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, और नमक डालने के बाद इससे इसको अच्छे से चला लेना है। डाल दिया है इसमें और चटनी देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब बन करके है, बिल्कुल तैयार पुलाव से खाने के लिए। तो चलिए, अब कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको खोल लेते हैं और देखिए पुलाव कितना ही टेस्टी बना है, और देखने और खुशबू भी इसमें बहुत ही अच्छी आ रही थी, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और इसको अब हम लोग आराम से सारा सामान जो है इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं पुलाव, हमारा कितना अच्छा दिख रहा है देखिए। और ये वेज पुलाव की एकदम सिंपल सी, आसान सी और बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी है, जिसको हम आसानी से बना करके खा सकते हैं, और जब भी आपका मन करे तो झटपट इसको बनाएं और खाएं। तो ये देखिए, मैंने सब कुछ चला लिया है, अब हमारा पुलाव जो है सर्व करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ सबसे पहले आप कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो ये देखिए, वेज पुलाव, मटर पुलाव, जो भी आप इसको बोलें, तो ये हमारा सर्व करने के लिए है तैयार। तो चलिए सर्व करते हैं इसको। तो 4 लोग हैं हम लोग, 4 लोगों के लिए मैंने प्लेटें लगा ली हैं, ये निकाल लेती हूँ प्लेटों में मैं सबके लिए। देखिए, मैंने आपको पुलाव की सारी रेसिपी बता दी है, और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पीछे हमारा जो पुलाव है सर्व करने के लिए बिल्कुल है तैयार। और देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, कि हमारी पुलाव की प्लेट देखिए कितनी यम्मी दिख रही है, ये देखिए। और इतना यम्मी पुलाव, आ जाइए चटनी के साथ टमाटर की, वो भी देसी अंदाज में बिल्कुल, और आ जाइए आप लोग भी और पुलाव का टेस्ट लीजिएगा। ज़रूर बना करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी के साथ में आपका पुलाव कैसा लगा। और ये मटर और मिक्स वेज पुलाव है, इसमें मटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि मटर अभी हरा आ रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और अपने पुलाव के साथ में, और ज़रूर बनाइएगा और सबको सर्व कीजिएगा, सब तारीफ़ करते रह जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरी फैमिली को बढ़ाते रहें इसी तरीके से, और मैं नई नई रेसिपी इसी तरीके से आपको देती रहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।